बाद में एमक्यूएम के तजवीज करदा एडमिनिस्ट्रेटर्स फारिग कर दिए। इसी बारे से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा हमारे साथ मौजूद है। अली रजा, एडमिनिस्ट्रेटर्स को फारिग कर दिया गया बन गई? जी बिल्कुल, जो इत्तेहाद जारी था और इख्तलाफात की खबरें जैसे ही सामने आना शुरू हुई और उसके बाद अब उसके नतायज भी सामने आ रहे हैं। जिला ईस्ट में शकील अहमद को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था एमक्यूएम के हिमायत याफ्ता, इनको हटा के वापस जो है रहमतुल्ला शेख को अहदा दे दिया गया है। कुरंगी में भी बिल्कुल इसी तरह हुआ है, शरीफ खान को हटा के जावेद कलवड़ को जो है अहदा दोबारा दे दिया गया है। और तहम हैदराबाद के अंदर भी फारूक को हटा के जो है वो हटा दिया गया है। तहम अब यही खबरें आ रही हैं और ये सिर्फ इधर की नहीं बात है बल्कि जहां जहां ऐसा महसूस हो रहा है, इतलात मौसूद हो रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उसके मुताबिक हम ये बात कर रहे हैं कि जहां जहां एमक्यूएम के हिमायत याफ्ता अफसरान मौजूद हैं उधर भी उनको हटाया जा रहा है। और ये जवाब तय किया जा रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की क्योंकि ये मामला है उस वजह से जो है ये तैनातियां नहीं हो सकती और ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी है, तो ये सिलसिला जारी है। तहम ये शिकवा एमक्यूएम की तरफ से आ रहा है कि ये फैसले और ये सारा कुछ बाद में